कोडरमा जिला में पर्यटन के क्षेत्र में तिलैया डैम एक आकर्षक का केंद्र है। यहां दूर तक फैली नदी और पुल के नीचे से बहता पानी, यह दृश्य देखने के लिए लोगों के कदम रुक जाते हैं। इस आकर्षक दृश्य का लुत्फ उठाने दूर दूर से सैलानी प्रतिदिन आते हैं। पर्यटन के क्षेत्र में और भी बेहतर करने को लेकर उपायुक्त आदित्य रंजन ने तिलैया डैम का भ्रमण किया। इस क्रम में उन्होंने पर्यटन के क्षेत्र में और उनके आधारभूत संरचना के विकास के लिए किए गए कार्यों की विस्तृत रूप से जानकारी प्राप्त किए। तिलैया डैम को पर्यटन के क्षेत्र में और बेहतर बनाने को लेकर उपायुक्त के द्वारा प्रवेश द्वार हेतु प्रथम व दूसरा गेट हेतु स्थल का निरीक्षण किया गया। उसके उपरांत सीढ़ी निर्माण के लिए चिन्हित स्थल का भी जायजा लिए। तिलैया डैम में हर तरफ व दूर दराज से सैलानी घूमने आते हैं और वे यहाँ वोटिंग करते हैं। उपायुक्त श्री रंजन के द्वारा तिलैया डैम का वोटिंग स्थल का जायजा लिया गया। इसके अतिरिक्त आने वाले समय में अन्य स्थलों पर वोटिंग की व्यवस्था करने हेतु स्थलीय निरीक्षण किया गया। सैलानियों को मन लुभाने व आकर्षक दृश्य हेतु ग्रीन टावर लगाने की बात कही। तिलैया डैम में आने वाले सैलानियों के लिए सेल्फी पॉइंट बनाने का निर्देश दिए, ताकि सैलानी तिलैया डैम में बिताए हुए कुछ बेहतर क्षणों को एक कैमरे में कैद कर सके। उपायुक्त ने अपने निरीक्षण के क्रम में तिलैया डैम में आने वाले सैलानियों की सुरक्षा को लेकर पुलिस अधीक्षक से कई बिंदुओं पर चर्चा किए। उपायुक्त ने पुलिस अधीक्षक को तिलैया डैम में टूरिस्ट TOP विकसित करने की बात कही, ताकि डैम में आने वाले सैलानियों की सुरक्षा मुहैया कराया जा सके। इस मौके पर पुलिस अधीक्षक डॉक्टर एहतेशाम वकारिब, वन प्रमंडल पदाधिकारी सूरज कुमार सिंह, उप विकास उपायुक्त लोकेश मिश्रा, अनुमंडल पदाधिकारी मनीष कुमार, जिला योजना पदाधिकारी राम निवास प्रसाद सिंह, गोपनीय प्रभारी जयपाल सोय, अंचल अधिकारी राम रतन वर्णवाल व अन्य मौजूद थे। सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एन अपडेट।